हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफस्टाइल। आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनको व्हिपिंग क्रीम में प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर होने वाली प्रॉब्लम को मैं बताऊंगी कि कैसे उसको सॉल्व करें। मैंने यहाँ ट्रोपोलाइट की प्रीमियम व्हिपिंग क्रीम ली है जो कि नन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है। इसका टेस्ट मुझे सारे क्रीम से बहुत ही अच्छा लगता है और कस्टमर को भी काफ़ी पसंद आता है इसका टेस्ट। अगर आपके शहर में ये नहीं मिलता तो आप किसी भी प्रीमियम क्वालिटी का व्हिपिंग क्रीम यूज करें। मैं फिलिप्स का ये हैंड ब्लेंडर यूज करती हूँ और इस अटैचमेंट को लगाती हूँ व्हिपिंग क्रीम को व्हिप्ड करने में। ये मेरा 300 वाट का है और मैं इसे पिछले 3 साल से यूज कर रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम को जब हम मार्केट से लाते हैं तो इसे हम फ्रीजर में रखते हैं, लेकिन हमें जब यूज करना रहता है उसके 3 से 4 घंटे या रात भर के लिए मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ फ्रीजर से निकाल कर। मुझे अगर सुबह यूज करना है तो मैं रात में ही इसे फ्रीजर से निकाल कर फ्रिज में रख देती हूँ। व्हिपिंग क्रीम जब तक पूरी तरीके से लिक्विड इस तरीके से ना हो जाए आप उसे यूज ना करें। अगर आइस रहेगा, आइस क्रिस्टल रहेंगे तो बाद में जाकर वो थोड़ा सा आपका लिक्विडी हो जाएगा। व्हिप्ड करने के बाद भी, थोड़ी देर के बाद फ्रिज में रखने के बावजूद भी वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, जिससे यूज करना आपके लिए मुश्किल होगा। व्हिपिंग क्रीम को हमेशा इस क्लिप से आप लॉक करके रखें इस तरीके से। इस तरीके का क्लिप मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, आप ज़रा उसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये परफेक्ट होता है इसको लॉक करके रखने के लिए। मुझे इतना व्हिपिंग क्रीम यूज करना था तो मैं 1.5 कप इसमें से निकाल चुकी हूँ और बाद बाकी को मैं डब्बे को फिर से फ्रीजर में रख दूँगी। इस तरीके से मैं अटैचमेंट को सेट कर दूँगी। अभी गर्मी का समय है और मैं किचन में ही व्हिपिंग क्रीम को व्हिप्ड कर रही हूँ। ना ही मैंने बाउल को फ्रिज में रखा, ना ही मैंने अटैचमेंट को फ्रिज में रखा है। मैं गर्मी के मौसम में ही वीडियो आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से व्हिपिंग क्रीम को व्हिप्ड करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि व्हिपिंग क्रीम मेल्ट होने लगती है बाद में, हमारा परफेक्ट व्हिप्ड होता है लेकिन बाद में जाकर मेल्ट होता है या थोड़ा पतला हो जाता है। तो उसका जवाब ये है कि जब आप व्हिपिंग क्रीम को व्हिप्ड कर लेते हो उसके बाद आपको जितनी ज़रूरत हो फ्रिज में से उतना ही क्रीम निकालें और फिर बचे हुए क्रीम को फ्रिज में ढक कर रख दें। फिर से ज़रूरत हो तो आप फिर से फ्रिज से निकालें और उसे थोड़ा सा मिक्स करें, जो निकाला है आपने उसे मिक्स करें और उसे यूज करें, बचे हुए को फिर से आप फ्रिज में ढक कर रख दें। इस तरीके से करने से आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी, आपके फ्लावर भी अच्छे बनेंगे, आपकी आइसिंग भी अच्छी होगी। मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है इसलिए कि आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से व्हिपिंग क्रीम को व्हिप्ड करती हूँ। मैं बीच बीच में इसे बंद कर रही हूँ और मैं हाई स्पीड इस पे चला रही हूँ इसे। व्हिपिंग क्रीम व्हिप्ड होने का सबसे बड़ा निशानी ये है कि जब आप व्हिप्ड कर रहे हो तो अभी आपको बिल्कुल भी हाथ पे प्रेशर नहीं लगेगा, लेकिन अगर क्रीम व्हिप्ड होने लगेगी या हो जाएगी तो आपको हाथ में भारीपन भी समझ में आएगा कि अब मुझे ये भारी लग रहा है चलाने में। तो ये निशानी है पहली। दूसरी निशानी की पिक अच्छी बनती है। तीसरी निशानी की उसे उल्टा करेंगे तो वो उसमें से गिरेगी नहीं। और चौथी निशानी ये है कि आप देख सकते हैं अभी इसमें कोई लाइनिंग नहीं बन रही है, लेकिन जब ये पूरी तरीके से व्हिप्ड हो जाएगी तो अच्छी तरीके से लाइनिंग बनना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी क्रीम परफेक्ट व्हिप्ड हो चुकी है। अब उसे छोड़ दें। अगर गलती से बाय चांस आपकी क्रीम व्हिप्ड नहीं हुई अच्छी तरीके से और आपको लगा कि व्हिप्ड हो चुकी है, जब आप आइसिंग करने जाएं और आपकी क्रीम थोड़ी पतली लग रही हो, तो आप फिर से हैंड ब्लेंडर निकालें और 1 मिनट के लिए उसे मिक्स कर दें। वो अच्छी तरीके से फिर से वो जिस तरीके का आप चाहते हैं उस तरीके का हो जाएगा। अगर आपकी क्रीम ज़्यादा व्हिप्ड हो चुकी है अब उस समय क्या करें, तो उस समय कुछ नहीं करना। 1 से 2 चम्मच आप नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम जो कि लिक्विड फॉर्म में आपने फ्रिज में रखा है उसे आप निकालें और व्हिपिंग क्रीम में डाल दें और उसके बाद उसे मिक्स कर लें तो आपकी क्रीम परफेक्ट हो जाएगी। अभी मैंने इसे निकाला तो थोड़ा जो पिक आता है वो थोड़ा सा मुड़ रहा था, यानी कि हमारी क्रीम अच्छी व्हिप नहीं हुई है। इसीलिए मैंने इसे दोबारा चलाया और इसके बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगी
ये पिक अच्छा आ रहा है या नहीं। इतना व्हिप्ड करने के बाद आपके हाथों में भारीपन फील होने लगेगा और आप देख सकते हैं धीरे धीरे लाइनिंग भी बनने लगी है क्रीम में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी क्रीम परफेक्ट व्हिप्ड हुई है या नहीं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिक आया है, ये बिल्कुल भी मुड़ नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है। इसका मतलब आपका क्रीम अच्छी तरीके से बीट हो चुका है, आप व्हिप्ड कर चुके हैं क्रीम को और लाइनिंग भी बहुत ही अच्छी आई है। और अभी मैं उल्टा करके भी दिखाती हूँ, इतना झटका देने के बावजूद भी क्रीम नहीं गिर रही है। ये जो इसमें लाइनिंग दिख रही है ये पहले नहीं आती है, जब आपकी क्रीम अच्छी व्हिप्ड हो जाती है तभी इस तरीके की लाइनिंग दिखने लगती है और आपकी क्रीम व्हिप्ड हो चुकी होती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। मैं इसको मिक्स करके दिखाती हूँ कि ये कितना स्मूथ हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर कहीं आप मान लीजिए इस समय आपको लगे कि नहीं मेरी क्रीम अच्छी मिक्स नहीं हुई, तो आप फिर से एक मिनट के लिए इसे व्हिप्ड कर लें, फिर से मशीन को एक मिनट के लिए चला लें, क्रीम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी फिर से। और क्रीम को ज़्यादा अगर हार्ड करेंगे तो वो आइसिंग अच्छी नहीं होती है। आपने लाइव सेशन में किसी का देखा होगा कि वो बहुत ऐसे ही रखते हैं और आसानी से वो उसको स्मूथ कर लेते हैं, उनका क्रीम बहुत हार्ड नहीं होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और पाइपिंग बैग में क्रीम डालने के बाद एक बार इस तरीके से मिक्स जरूर करें, इससे आपका कोई भी फ्लावर या कुछ भी आप बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छा बनता है, क्रीम फिर से अंदर जाके स्मूथ होता है। पाइपिंग बैग में कोई भी कलर क्रीम भर रहे हो या फिर नॉर्मल वाइट क्रीम ही भर रहे हो, आप पाइपिंग बैग में डालने के बाद जैसे मैंने अभी दिखाया उस तरीके से मिक्स जरूर करें। आप देख सकते हैं कहीं भी क्रैक नहीं आ रहा है इस फ्लावर को बनाने में। आप इस समय गौर से देखें, कहीं भी कोई भी क्रैक नहीं आ रहे हैं। आप इसको देखकर पता लगा सकते हैं कि क्रीम कितनी अच्छी व्हिप्ड हुई है। अगर क्रैक आ रहे हैं इसका मतलब कि आपका क्रीम ओवर व्हिप्ड हो चुका है, इसलिए आप उसमें 1 टेबल स्पून नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम डालकर और उसे स्पैचुला से ही आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, क्रीम नॉर्मल हो जाएगी। बहुत सारे कमेंट मुझे आए थे कि व्हिपिंग क्रीम को भी आप व्हिप्ड करके दिखाइए, तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। और आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से ये नोजल से बाहर निकल रहा है और क्रैक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब आप इस तरीके से व्हिपिंग क्रीम को व्हिप्ड करिए और मनचाहा फ्लावर बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। आपकी सारी प्रॉब्लम का इस वीडियो में मैंने आंसर दिया है, तो आप इसको ट्राई कीजिए।